आज शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, जब देखे कि अब ये पूरा गोलमोल हो रहा है, सारा स्टूडेंट बिहार का युवा एक जगह गोलबंद हो रहा है और अब ये लोग रोड पे निकल के शिक्षा को लेके और रोजगार को लेके बोलेगा, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और शिक्षा मंत्री क्या सोचे क्या नहीं सोचे, फटाक से पूरा विषय वस्तु को शिफ्ट करके कहाँ ले आए, रामचरितमानस। ब्राह्मण को मारो पीटो, हमें शूद्र बोला, हमें ढोल बोला, ढोल पशु शूद्र नारी सब है तारण के अधिकारी। तो हम कहना चाहते हैं ढोल को पीटा नहीं जाता है, ढोल को बजाया जाता है तब उसमें सुर निकलता है। और आप गलत इंटरप्रेशन खुद दिमाग में रखेंगे, ब्राह्मण को मारने से आपको नौकरी मिल जाएगा, ब्राह्मण को मारने से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे कि पढ़ेंगे तब न ग्रेजुएट होंगे। अगर तुलसीदास ने गलत किया, रामचरितमानस में गलत लिखा हुआ, मैं मानता हूँ कि गलत लिखा हुआ, चलिए एक सेकंड के लिए, तो आप उसको मत पढ़िए ना, आप बॉयकट कीजिए, हम बोलेंगे हम रामचरितमानस। आप जो है कई महीनों से जो है सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हो गए, बीएसएससी के अभ्यर्थी हो गए, एसएससी के अभ्यर्थी हो गए, या छात्र हो गए, बिहार के जितने छात्र हैं, यूनिवर्सिटी है, या स्वास्थ्य विभाग हो गया, या शिक्षा व्यवस्था हो गया, ये सारे आप लोगों के नज़र के सामने हैं। कैसे उन लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और क्या है शिक्षा व्यवस्था की हालत, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था और जो किसानों का आंदोलन है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसलिए कि इसमें जो है पूरा पोल खुलेगा, किस तरह से बिहार के छात्रों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहिए, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि आज वर्तमान स्थिति में मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा घोटाला हो रहा है, बीपीएससी का घोटाला हुआ, बीएसएससी सचिवालय सहायक का घोटाला हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर, और जहां पे एक ओर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार लाठियां खाए, प्रदर्शन किया, आपने भी देखा होगा और हमने भी कवर किया है, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार में इन सारे चीज़ों को शिफ्टिंग का जो खेल है वो सरकार खेलती है, वो लोगों को नज़र में नहीं आता है। स्टूडेंट जो है हमारे जो बिहार के जो वासी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, शुरू से ही उनके स्कूल, अब देखिए बिहार में देखिए खेल कैसे होता है, बिहार में मुख्यमंत्री आते हैं, लोगों को ये भड़काया जाता है कि बिहार में फॉरवर्ड अग्रो और पिछड़ों की लड़ाई है, शुरू से देखिए खेल। लालू जी आते हैं कलंतर में, लालू जी की सत्ता आती है, वो चरवाहा विद्यालय खोलते हैं, कितने चरवाहा पर लिए थोड़ा बताइए तो, एक डाटा कभी सरकार जारी की है, और चरवाहा विद्यालय खोलने के नाम पे आपने कितना पैसा लगाया है कॉलेज में, उस चरवाहा विद्यालय का आज स्थिति क्या है, क्या वहाँ पे शिक्षक हैं कि नहीं, वो किसका पैसा था जो चरवाहा विद्यालय में आपने लगाया, वो कौन लोग थे जो वहाँ के जाके पढ़ रहे थे, किसी का है डाटा आपके पास? हमारे पास नहीं है, कहे कि आपने दिया नहीं है, कहे कि आपने नीति आयोग को नहीं दिया है, आप सबसे छिपाए हैं। उसके बाद कालांतर में लालू जी से मतलब कस के जो राजनीतिक एक होता है ना द्वंद्व, वो द्वंद छेड़ते छेड़ते नीतीश जी आते हैं सरकार में और वो कहते हैं लालू भ्रष्टाचार के मतलब जनक हैं, मतलब कि यहाँ पे बिहार में जो है ना वो कत्लेआम मचाने में और किडनैपिंग और इस तरह के तमाम मामलों में लालू जी के पूरे परिवार को घसीटा जाता है, लालू जी पे फूडर स्कैम लगता है चारा घोटाला जिसमें अभी वो सजा याफ्ता है, ठीक है। उसके बाद नीतीश जी का सरकार आता है, 17 साल से 8वीं बार वो मुख्यमंत्री का मतलब शपथ ग्रहण लिए हैं, मुख्यमंत्री के नीतीश जी के सरकार में सुशासन सुशासन का ढोल पीटा जाता है और सुशासन ऐसा होता है कि सारे स्कूलों में बहाली वाले शिक्षक को ठेल के भर भर दिया जाता है, बहाली वाले जिनको कुछ पढ़ाने नहीं आता है। मैं पूछना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री से, अभी नहीं जो एनडीए के सरकार में थे उनसे भी और जो अभी नीतीश बाबू के सरकार में उनसे भी, आपने कभी उस शिक्षक का कभी इंटरव्यू लिया, क्यों नहीं लिया? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं थी कि आप ग्राम स्तर पे मुखिया को दे दिए पावर की जाके शिक्षक का बहाली के लिए आप मनोनीत कीजिए और मेरे सामने में वो लिस्ट पेश कीजिए, तो वार्ड वार्ड सचिव सचिव सब लोग मिलके टीचर की बहाली किए और टीचर वहाँ जाके क्या पढ़ा रहा है, प्योर को बोलता है पूर, सियोर को बोलता है सुर। अब ये जो माननीय लोग निकलेंगे पढ़ के वो बिहार का भविष्य होंगे। और आज जब सड़क इतिहास तो सभी लोग जानते हैं, हाँ। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि जो आज बीपीएससी हो गए, हाँ। या सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं और जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री का बयान बदलता जा रहा है, कहीं से छात्रों को भटकाने का जो मुद्दा वो ला रहे हैं धर्म के माध्यम से, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आज क्या हुआ ना कि सब लोग अब बैठ रहे थे गर्दनी बाग में, तमाम रोड पे अन्य जिलों में जो स्टूडेंट हैं वो निकल रहे थे रोड पे, प्रदर्शन कर रहे थे कि मुझे शिक्षा का रिजल्ट, तो आप देखिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको कितना में मिल रहा है, 6 साल में 7 साल में। लड़कियाँ राजद कार्यालय में रो रही थी, आप थे ना, शिक्षा मंत्री ने क्या बोला सीधे पल्ला झाड़ के कि जाइए राज्यपाल के पास जाइए, क्यों भाई, शिक्षा मंत्री आप है, राज्यपाल के पास स्टूडेंट जाए? और जो दूर से 200 किलोमीटर से आपके कार्यालय तक पहुंच गया, क्या उसको राजभवन घुसने दिया जाएगा, राज्यपाल से वो मिलके बात कर सकता है?
आपको लगता है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा में इतना काबिलियत है कि वो राज्यपाल के समक्ष बैठ के अपनी बातों को प्रखरता से मुखरता से रख दे? आपको लगता है शिक्षा मंत्री? आज शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, जब देखे कि अब ये पूरा गोलमोल हो रहा है, सारा स्टूडेंट बिहार का युवा एक जगह गोलबंद हो रहा है, और अब ये लोग रोड पर निकल के शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर बोलेगा, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और शिक्षा मंत्री क्या सोचे क्या नहीं सोचे? फटाक से पूरा विषय वस्तु को शिफ्ट करके कहाँ ले आए? रामचरितमानस पे। एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में जहाँ सबको सर्टिफिकेट मिलना था, वहाँ पे जाके रामचरितमानस का दोहा पढ़ रहे हैं। वाह रे वाह शिक्षा मंत्री, वाह, आप तो गजब खेला खेले। आप क्या बोलते थे, बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं, और आप क्या कर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप क्या किए ना कि सारे सब्जेक्ट को लेके रामचरितमानस और तुलसीदास तक लाके सीमित कर दिए। अब बिहार के वो जो गणमान्य स्टूडेंट थे, अब वो जात पात, तुलसीदास, ब्राह्मणवाद, मनुवाद में लग गए। अब इनका काम आराम है, अब इनके राजद कार्यालय में कोई नहीं आएगा, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा रोड पे, अब जाएगा सब ब्राह्मण के घर पे और ब्राह्मण से लड़ाई करेगा। सोशल देखिए, यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ है, ब्राह्मण को मारो पीटो, हमें शूद्र बोला, हमें ढोल बोला, ढोल पशु शूद्र नारी सब है तारण के अधिकारी। तो हम कहना चाहते हैं, ढोल को पीटा नहीं जाता है, ढोल को बजाया जाता है, तब उसमें सुर निकलता है। और आप गलत इंटरप्रेशन खुद दिमाग में रखेंगे, ब्राह्मण को मारने से आपको नौकरी मिल जाएगा, ब्राह्मण को मारने से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे कि पढ़ेंगे तब न ग्रेजुएट होंगे? अगर तुलसीदास ने गलत किया, रामचरितमानस में गलत लिखा हुआ, मैं मानता हूँ कि गलत लिखा हुआ, चलिए एक सेकंड के लिए, तो आप उसको मत पढ़िए ना, आप बॉयकट कीजिए। हम बोलेंगे हम रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के कई % आदमी डेली रामचरितमानस और गीता का पाठ करते हैं सुबह उठ के? अरे यहाँ तो रोजगार नहीं है, यहाँ पे शिक्षा नहीं है, लोग सुबह उठ के ही सोचते हैं कि दो निवाला के लिए कहाँ से पैसा आएगा। यहाँ तो मजदूर बैठे रहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, यही राजभवन है, उसके सामने फुट पे रात में सोते हैं मजदूर, और सोचते हैं कि सुबह में कोदारी लेके कोदारी पी जाते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव जी तो बोले थे कि 20 लाख रोजगार देंगे हम, तो तेजस्वी यादव जी से जाके पूछिए ना कि तेजस्वी यादव कई लाख को रोजगार दे दिए? जो बात मोदी जी करते थे ना, कि रोजगार देने की बात हमने नहीं की थी, हमने सृजन करने की बात की थी। और गार्ड में आ जाते हैं अमित शाह जी और कहते हैं, क्या पता है कि ये चुनावी जुमला था, इस पर इतना ट्रोल हुआ। सारे पार्टी के नेता, आप एक बात गांठ बांध के सुन लीजिए, सारे पार्टी के नेता काम वही करते हैं जनता को बेवकूफ बनाने वाला, सारे पार्टी के नेता। तो कुछ बात, छात्रों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एकदम बेवकूफ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पर बांटा नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, धर्म कभी बांटा नहीं हुआ है, सारा धर्म एक है, सारे धर्म में एक ही बात बताया गया है, ऊपर वाला सबसे महान, ऊपर वाला सबसे ताकतवर। हमने क्या किया, नामांकन कर दिया अपने हिसाब से। अब उस नामांकन में चीज़ों को शिफ्ट, विषय को शिफ्ट कर देना होता है, जैसे आप हमको एक थप्पड़ मारिए, ठीक है, और आप शिफ्ट क्या कीजिए पता है, ये तो हमारा प्यार था। ऐसे ही शिक्षा मंत्री क्या किए ना, कि जब देखे कि अभी सारा स्टूडेंट आएगा रोड पे, सारा अब निकलेगा, पुतला दहन होगा, प्रेशर बनेगा सरकार पे, कहां से, तो एक खेल खेल दिए, तुलसीदास दी, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, जो भी है, जो इस तरह के ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, आपको गाली दिए हैं शूद्र को। क्या बीजेपी सही कर रही है? बीजेपी भी तो आज किसानों को लेकर आंदोलन जो है जारी है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आम पब्लिक को दिक्कत हो रहा। हमने क्या बोला, जो चीज बीजेपी पहले करती है उसी से शिक्षा लेते हैं शिक्षा मंत्री। आप किसका विरोध कर रहे थे, हम पूछना चाहते हैं, आप किसका विरोध कर रहे थे? भाजपा का। तो बीजेपी के शासनकाल में किसान आंदोलन किया, 700 से अधिक किसान मारे गए, बीजेपी का उस पर वक्तव्य आया आपको? नहीं आया। तो आज शिक्षा मंत्री, आप भी तो वही काम कर रहे हैं उससे सीख के, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, तो आप कैसे बीजेपी से अलग हो गए, कैसे आपकी विचारधारा अलग होगी? अगर वो धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, आप भी तो धर्म की राजनीति शुरू कर दिए। आप स्टूडेंट को बुला के कभी बैठाए बोले कि अब हम विज्ञप्ति जारी करेंगे, आपको नौकरी दिया जाएगा, आपको रोड पे आने की जरूरत नहीं है, हम शिक्षा मुहैया करवाएंगे स्कूल में, आपको प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? ये कर देंगे तो फिर उनका 2024 में जो वोट है वो खराब नहीं हो जाएगा? 2024 में आप देखिए, आप देखते जाइएगा, अभी का स्टूडेंट और अभी का जिसको वो दलित और बोलते हैं ना शूद्र का के लड़वाते हैं ना, वो लोग कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 साल में इतना ज़्यादा सोचने में सक्षम हो जाएगा ना आज का युवा, कि इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी जितना दिन धर्म का राजनीति बीजेपी कर रही थी और आज राजद करने लगी, और इसी तरीके से ये लोग करते हैं ना, तो आने वाले समय में स्टूडेंट को तीसरा विकल्प शुरू करना पड़ेगा, और हमारे जैसे और आपके जैसे बीच से स्टूडेंट निकल के नेता बनेंगे और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। और इन पार्टियों का जो हाल होगा आने वाले भविष्य में, वो बिहार की जनता देखेगी, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। कोई आदमी भूखा ज़्यादा दिन तक ना आपका ना जी हुजूरी और सलामी नहीं ठोकेगा, ये बात याद रखिए। एक बाप भी अपने बेटे को घर से बाहर कर देता है, कहता है तुम कोई काम का नहीं है, निकम्मा हो, घर में तुम्हारी जगह नहीं है, एक बाप जो एक खून का होता है। फिर ये पार्टी किस मतलब बिसात की है, पार्टी हमारे लिए है कि पार्टी के लिए हम हैं? जनता के लिए सरकार होती है या सरकार के लिए जनता होती है, सो बताइए ना।
हम आपको वोट दे दिए, आप पे भरोसा किए और आप लड़ाना चालू कर दिए। आप कहते थे पहले कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, आप क्या कर्म की राजनीति कर रहे हैं? ये कर्म है। चलिए, तो स्पष्ट आप लोगों ने सुना जो शिक्षा मंत्री का बयान आया वो कर्म की राजनीति है कि धर्म की, आप ही लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो छात्रों के साथ इस बिहार में जो खेल खेला जा रहा है, जो छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, धर्म को लेकर बांटा जा रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों का जो आवाज़ है वो दबाया जा रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।